अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन की बहुत ही सुपर डिलीशियस रेसिपी। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ एकदम न्यू रेसिपी चिकन मुमताज़, जो बन के बहुत ही टेस्टी तैयार हुई। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बनाना बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते। सबसे पहले मैंने 5 से 6 प्याज ली हैं बड़ी साइज़ की, इसको रफली चॉप कर लिया है। उसके बाद मैं एक बाउल में रख लूँगी और उसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 15 से 16 बादाम, आप काजू भी ले सकते हैं। उसको हम 15 मिनट तक बॉयल करेंगे। अब दूसरी तरफ हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। चिकन को सबसे पहले मैंने वॉश करके पहले से रखा हुआ था, फिर उसे एक बाउल में रख लेते हैं। अब हम इसमें 1 कप दही डालेंगे। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और उसके बाद मैंने धनिया लिया है उसका सीड, उसको क्रश करके डाला है। उसके बाद फिर मैंने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला। अब सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसे कवर करके 1/2 से 1 घंटे के लिए हम रख देंगे। इधर हमारी प्याज बॉयल हो चुकी है। जब बॉयल हो जाते हैं तो इसका छिलका बहुत आसानी से बादाम का निकल जाता है। अब इसका छिलका हम निकाल लेंगे, फिर इसे एक ग्राइंडर में रख कर थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी आप प्याज वाला भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और भी। उसके बाद मैंने 9 से 10 हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा पानी डाला है। अब हम इसे बारीक एकदम पेस्ट बना लेंगे। फिर उसके बाद मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल गरम किया है। जब ऑयल गरम हो जाएगा तब उसमें मैंने कुछ साबुत मसाले डाले। दालचीनी के टुकड़े हैं, 30 पत्ता है, 1 टेबल स्पून जीरा है, 1 सफ़ेद इलायची है, 1 जावित्री का फूल है। उसके बाद मैंने जो चिकन रखा हुआ था उसे ऐड किया है और उसे अब हम एक हाई फ्लेम पे 15 मिनट तक भूनेंगे लगातार चलाते हुए। जो चिकन से पानी रिलीज़ होगा ताकि सूख जाए एकदम और इसका कच्चापन भी निकल जाए। मैंने 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे भून लिया। जब एकदम पानी सूख गया तो मैंने जो पेस्ट बना के रखा था उसे ऐड करेंगे। अब पेस्ट को ऐड करके हम खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। खूब अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगा तब हम इसे ढक कर पका लेंगे, और हमें तब तक पकाना है जब तक कि चिकन हमारा गल ना जाए। और आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा, जब चिकन हमारा गल जाएगा खूब अच्छे से पक जाएगा तब फिर हम इसे चेक कर लेंगे। और देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। अब हम इसे, आपके पास अगर कसूरी मेथी तो वो ऐड कर दीजिए, नहीं तो फिर धनिया पत्ती डाल दीजिए। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये चिकन की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो